ये उस वक्त की बात है जब हम सब बॉम्बे में नए नए आए थे. कुल मिला के एक ग्रुप था नॉर्थ इंडियंस का जो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था, जिसे मराठी नहीं आती थी, और हम सब वो वाले आउटसाइडर्स थे जिसे मनसे वाले भगाने की कोशिश कर रहे थे. और हम सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से आए थे, तो हमारे अंदर बहुत सारा आइडियलिज्म, और सब लोग अलग अलग अपने यूनिवर्सिटीज़ में प्रगतिशील आंदोलनों में जुड़े हुए थे, चाहे वो थिएटर था चाहे वो पॉलिटिक्स था. और बॉम्बे आके हमें हम फिल्म इंडस्ट्री से टकराए, और उसके अपने जो भी रिस्पॉन्सेज थे हम सब में. और अक्सर हम सब अपने आप को मेरे घर में पाते थे. हम शराब पी रहे होते थे और पुराने जो जनवादी गीत हैं और जो प्रगतिशील आंदोलन के जो गीत हैं हम उन्हें गा रहे होते थे. तो उसी वक्त में लिखा गया था ये पोएम, और इसका टाइटल है हवा के सहारे. हमारी ये जो युवा पीढ़ी है इस दौर की, आई थिंक ये उस पर कमेंट है, जो जिनके इंटेंशंस बड़े अच्छे हैं लेकिन शायद जिनके इंटेंशंस कभी ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकल पाते हैं. हवा के सहारे टंगे हुए हैं हम. न हमसे कोई मोहब्बत करता है न नफरत, न कोई हमें खरीदता है न हम किसी के हाथों बिकते हैं. हम चाहते हैं सब हमारे साथ हों. हम चाहते हैं कुछ लोग हमारे साथ न हों, क्योंकि लड़ने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए उनकी तरफ भी कुछ लोग चाहते हैं. वे हमें जानते हैं अच्छी तरह से. हम न क्रांति करते हैं न शांति से बैठते हैं, न हम रुके हुए हैं न हम चलते हैं. हमें हर वक्त उन्हीं का फ़ोन आता है, जबकि हम किसी और की आवाज़ सुनने को बेताब हैं. कभी हम अंधेरे से भागते हैं, कभी रोशनी से, कभी अमावस की तरफ चल पड़ते हैं, कभी चांदनी के नीचे बैठ जाते हैं. हम चाय भी पीते हैं, हम शराब भी पीते हैं. न हम सोते हैं न हम जागते हैं, न हम हंसते हैं न हम रोते हैं. हम कभी शहर में जंगल चाहते हैं तो कभी जंगल में शहर बसाना चाहते हैं. न हम नियम का पालन करते हैं न कोई नियम तोड़ते हैं. न हम पढ़ते हैं न किताबों से दूर रहते हैं. हमें अखबारों के पन्ने अच्छे नहीं लगते, इसलिए अखबारों को भी हम अच्छे नहीं लगते. हम अपने कपड़ों से कम उनके कपड़ों से ज़्यादा परेशान हैं. हम अपनी आँखों से नहीं उनके चश्मों से परेशान हैं. जब हम सूरज बन जाते हैं तो उनको हमसे डर लगता है, जब हम चांद बन जाते हैं तो वो हमें डराने लगते हैं. जब हम खड़े हो जाते हैं तो उनके पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है. हम झुक जाते हैं तो वे चेहरा सीधा कर घंटी बजाते हैं. वे हमारी बढ़ी हुई दाढ़ी में खतरा सूंघते हैं. हम उनके चिकने गालों पर पेड़ उगाना चाहते हैं. वे चाहते हैं वे हमारे छत के नीचे आ जाएं, पर कैसे? हम तो खुद ही हवा में टंगे हैं, जहां न छत है न नींव.